ओपन कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब एफ एस जे शकील चौधरी साहब बब्बू राना और आज इस स्टूडियो में पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं पुन्नू सर वेलकम वेलकम बैक बैक अमेकूब कितने से चल रहे हमारे साथ पिछले हफ्ते से नहीं चल तो रहे हैं मैं वैसे देख रहा था आप पिछले दिनों नहर पर बैठे हुए थे जी

इनका प्रोडक्ट है और आज ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी कर रहे हैं बहुत शानदार हैंड वॉश बॉडी लोशन हैंड कूल एंड कूल वाले इनके क्योस्क हैं मुख्तलिफ जगहों पर बट दे आर वेरी गुड मैंने अभी थोड़ी देर पहले लोशन लगाया है बॉडी लोशन इतना शानदार अलग मैं हाथ धो के आया हूँ फिर भी खुशबू आ रही है बहुत वाह वा। हारा कुछ देखे रोशन साबन मैं ब्रांड एंबेसडर हूं पुन्नू साहब उनका सर मेरा फर्स्ट टाइम है कुछ है ना मेनू मैंने दस्त दे फॉर्मेट की है जोड़ फॉर्मेट कुछ भी नहीं होने 20 सवाल होने सी उल्लूआ तरह बैठे रहे नहीं बाबू फॉर्मेट ना 20 सवाल لا फॉर्मेट ये है कि आज पुन्नू आए हैं तो फिर तो कुछ होगा ही आपके साथ हां जी हां जी अच्छा अभी वाक्या इस शो कोई नहीं क्योंकि मैं पहले कहया सी कि ओनु बुलाणा दे वाक्या कोई नहीं स्टॉक जी मैं इथे फर्स्ट टाइम आया ते इथे झूठ बोलण वाले ते वैसे ही समझ सकदे अगला लफ्ज की हुंदा ਬਰਨ ਮਸਕ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮਸਕ ਐਮ ਯੂ ਜੀ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਈਏ ਗੋਸ਼ੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਐਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਚ ਗੱਡੀ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੋਾਈ ਏ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਲਾਓ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤੀ ਹੈ ਹੋਆ ਕੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਨੇ ਕਾਲੀ ਕੋ ਗਾੜੀ ਤੇ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿ

नहीं है तो आप उनको समझते ही कुछ नहीं है, नहीं, बहुत अच्छे दोस्त है ने। <laughs> ने ना इंतहा <laughs> like है नॉप पे रहने के लिए आपको अपना शब शबा करना पड़ता है कारगिर कर ली है मैंने शिकील साहब की अल करीब आपको मेरी क्यों नहीं करता नहीं भाजी शिकर्दी में

जिन दिनों यहाँ शदीद गर्मी हुआ करती है वहाँ सर्दी yes. तो अगर हम कैनेडा जाके गर्मियों के शोज करते हैं आजी आजी। या इंग्लैंड करते हैं गर्मियों में तो सर्दियाँ जो ही आएंगी आप ऑस्ट्रेलिया जा कर सकते हैं उठे गर्मी exactly. वहाँ गर्मी होगी इसीलिए तो डाउन अंडर कहते हैं ना डाउन अंडर न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि साउथ अफ्रीका और फिर आगे अर्जेंटीना तक जी जी साउथ ऑफ़ दूसरे मौसम उल्टा होता है साउथ ऑफ द इक्वेटर ही नहीं अर्जेंटीना से तो साउथ पोल फिर शुरू हो जाता है ना जा। वहां से राहदारी लेनी पड़ती है साउथ पोल जाने की अच्छा साहब। जी। शख्सियत मर्द है? जी, मर्द है जी जी। मर्द जिंदा नहीं जी एशियाई नो एशिया से नहीं एशिया से नहीं एशिया से नहीं तो गोया ट्रेलिया से

एडवेंचर हां वो जानवर है ना जी जी बेसिकली नेचुरलिस्ट था वो ही नेचुरलिस्ट था स्टीव समथिंग नेशनल ज्योग्राफियर वो हम कर है है। चुके हैं उस पे यही था कि वो एनिमल्स को बहुत तंग करता था हां जी हां जी एक एनिमल ने उसको तंग किया राइट थ्रू द हार्ट राइट थ्रू द हार्ट हाउ ऑल सिंबॉलिक ये थिंग्स आर कारमा ओहो जी ऑस्ट्रेलिया हू इज द नोटेबल इंतकाल को कितनी देर कह रहे हैं जिससे कम 98 के और करीब आए भैया लतीफ साहब इनके इंतकाल को 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी नहीं hey. 2010 के बाद शोबे पे आ जाए ताल्लुक स्पोर्ट से है नो no. हाँ ताल्लुक शोबे से है भाई नहीं इल्मो गेटिंग इनटू डिफिकल्ट टेरिटरी यस इल्मो ऑस्ट्रेलिया पॉलिटिक्स ऐसा तो हुकूमत पूछ चुके हैं कि नहीं नहीं है? सर आपने स्पोर्ट्स और शोबे पूछा है बिग बिजनेस के यू अफ्रीका मीडिया से ताल्लुक मीडिया ऑस्ट्रेलियन फिल्म नहीं स्पोर्ट्स नहीं कोई writer, कोई राइटर, कोई कोई और, नहीं नहीं। और फिर बारह साल से कम अरसा हुआ है इंतकाल कुछ अरसा पहले इंतकाल हुआ है किस ऑस्ट्रेलियन का जो बैन अवी शहरत याफ्ता ये भी तो हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलियन हो जिसका इंतकाल अमेरिका में हुआ है पॉसिबल और नकल मकानी कर गया कोई ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेंट वहाँ जाके जिसने बड़ा नाम कमाया लेकिन science, उसके उन्होंने ये नहीं कहा कि भी। हाँ नहीं लेकिन most Australia, <coughs> तालुक, कोई साइंस टेक्नोलॉजी अच्छा वहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर था एक पिछले दिनों बड़ा मशहूर प्राइम मिनिस्टर दो एक ये बिल्कुल यार एन से शुरू होता है क्या नाम है एच से या एन से शुरू होता है एक रीसेंट तो शोबे पे जाए शोभा जाना चाहिए अच्छा जी उसके बाद वजह शोरत सियासत और हुकूमत है जी वो वाह टेन क्वेश्चंस यो सियासत hmm. और हुकूमत दिस हैज टू बी अ प्राइम मिनिस्टर कांट बी लेस देन दैट मेयर ऑफ सिडनी तो नहीं पूछने <laughs> लगे हैज टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ये एच या एम एन से एच या एन से नाम शुरू होता है एक मशहूर पर हेमलर हैकलर को तो इस तरह का यार एक नाम था ये पिछले कुछ अर्सा पहले लेट्स डाउन टू प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हाँ हाँ जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया थे जी हुँ। हुँ। जी ये पहुंच तो गए हम नाम पे तो पहुंच हाँ। सिर्फ नाम, नाम पे हॉक 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 बॉब हॉक था क्या हौक था हॉक था ना हॉक सर था एक बॉब हॉक बॉब हॉक था बट व्हाट इज इट उसका मतलब वजह शोने क्यों है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होने से तो फायदा नहीं है आई थिंक उसकी थी डिफायंस ऑफ द क्वीन ही वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश क्राउन बॉब हॉग और रेफरेंडम भी हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया में जी आज से 24 25 साल पहले अगर ये वही है ना वो ذہن में आ रहा है उसके वो ग्रे से बाल तो फिर ये हाँ। जिस तरह आया ना दिमाग में

गुल्लू मार मार के चंडा आवाज नु आजकल चंडा ही पै रही है <laughs> अच्छा <laughs> जी बॉब हॉक की तरफ जाएं फिर बॉब हॉक बॉब हॉक इज नॉट न्यूजीलैंड ना ऑस्ट्रेलिया नहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया सर ऑस्ट्रेलिया है ना ब्रिटिश क्राउन को डिफाई करना इनकी वजूहत शोहरत में से एक है जी <laughs> भाईजान सीधी तरह के बॉब हॉक को पूछा आपने यस yes. <laughs> क्या कह रहे ते चोर साहब फोर कदम तो वापस जाना सरदी <laughs> आपसे आज मिल के मुझे एक एडिशनल खुशी इस बात पे हुई है और अगर एफ एस जे को पता होता ना कि मैंने और आपने मिल के ये एपिसोड कर रखी है तो एफ एस जे हमें यकीन कोई ना कोई मेडल देते क्योंकि हाँ। ये हाँ। ये काम करते रहते हैं सर आज से कुछ चार साल पहले की बात है ये सर टू थाउजेंड टेन लो, इतनी पुरानी बारह साल, साल पहले ये मेरे, नहीं जी नहीं चार साल पहले मैंने शोर मचाना किया था हाँ जी। ये मेरे पास आए कि मैंने एक बहुत बड़ी को पकड़ा कि बाउद्दीन ज़क़्रिया यूनिवर्सिटी बीजेड यू मुल्तान बीजेड मुल्तान का यहाँ पर जो क्या कहते हैं कैंपस है लाहौर कैंपस उसमें घपले हो रहे हैं बदउनमानियां हो रही हैं और वो कुछ डेढ़ अरब का स्कैम है और जो टीका सिर्फ़ एक गरीब एक वो मुल्क को तो चलो तुम टीका लगाते हो एक बड़ी एंटिटी है कि यूनिवर्सिटी एक छोटा सा इदारा और यूनिवर्सिटी जो सिर्फ सलाह आम है जो सिर्फ एक 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 तरह से देखा जाए तो खैराती इदारा होता है कि आपको इल्म दे रहा है आप उसको रॉब कर रहे हैं बड़े बड़ों के नाम इसमें आते हैं दो तीन उस वक्त के हमजा शहबाज साहब के साथी एक राना मशहूद, एक जहीम कादरी, ठीक है सर हालांकि आजकल कादरी जो है ना इज ऑन द अदर साइड ऑफ हिस्ट्री इज़ ट्राइंग टू बी और तीसरे खुद हमजा शहबाज साहब ये तीन चार हैवी थे। और वाइस चांसलर डॉक्टर अलकमा डॉक्टर खैरुद्दीन के साहब हैं जी 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 क्या अफसोस की बात है रोने का मकाम है ये जरा वन लाइनर बताइए जी जरा इख्तजार के साथ ये सर उन्होंने इलीगली यूनिवर्सिटी जो थी जईम कादरी ने अपने शुभाष शरीफ साहब का लेटर पैड यूज करके तो उन्होंने अलाट करवा दी अपने पी के नाम फिर सर? उन्होंने आगे वही डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बेच दिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट को तो <laughs> तब मैं ट्रिगर ऑन हुआ फिर मैं उनको हाई कोर्ट में ले गया लंबी स्टोरी है सर तो वो मैंने आठ दस साल भुगता वो केस तो अल्लाह का शुक्र है वो यूनिवर्सिटी हमने बंद करवा दी सर वाह वाह ये तो वही जाम सादिक वाला केस हो गया जी बिल्कुल जो भुट्टो साहब ने कहा था कि जाम साहब किसी दिन आजम का मजार ना बेच दीजिएगा वाह वाह है जी है। दी जी 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 यूनिवर्सिटी की जमीन yes. यूनिवर्सिटी की तो एक्चुअली जो है उनकी वो जमीन होती है ना उसी पे सबकी नज़र होती है चायना कटिंग भी होती है उसकी इस मुल्क को लोगों ने चरागा समझा हुआ है इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ भी एक सेनेटर साहब हैं पी बी पी के

देती दस yes. और It, वो भी उन्होंने अपनी बीवी के पे लिया उसने कहा hmm. मैं शादी नहीं करूंगा अगर तुम ये, ये स्मार्टफोन बड़ा नहीं नहीं लो। <laughs> yeah. yes. <laughs> uh. लोगों की, पसंद, लोगों की yeah. का मिलान नहीं होता मॉडर्निटी की आल्सो अब देखें ना चैट जीपीटी जी इस वक्त गूगल इज रोलिंग आउट इट्स ओन ठीक है ना ये वर्ल्ड इज चेंजिंग नहीं तो सिर्फ स्मार्टफोन नहीं है या हर मॉडर्न चीज से कोई लैपटॉप कोई टीवी नहीं, नहीं कोई उनके पास कोई मॉडर्न चीजें नहीं है बहुत सादा जिंदगी वो कहते हैं मैं बड़ा इजी हूं इस वजह से सर पता क्यों हाँ। मैं उसका जवाब देने लगा हूं क्योंकि एक दाना शख्स अगर कोई काम कर रहा है ना देयर मस्ट बी अ रीजन आज मैं सुबह उठा हूं ना हसन निसार भी ऐसे ही है मैं कहता हूं बड़ा खुश हसन निसार निसार चौधरी निसार 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 नहीं हसन हसन आल्सो हैव अ फोन ही ही कीप अ फोन डज सेक्रेटरी के पास होता Secretary है सेक्रेटरी के पास होता है तो मैं सर अब संजीदगी से सोच रहा हूँ अच्छा मैं फोन बतौर फोन अपने पास नहीं रखता बतौर कंप्यूटर रखता हूँ तो उसका तरीका अच्छा मकसद तो टाइम बचाना है ना अगर मैं अपना पैड अपने पास रखूँ तो टाइम तो उसने उतना ही लेना है मेरा एक ही बात है एक ही बात है तो इसलिए मैं इससे भाग नहीं सकता सर मेरा काम की नोयत ऐसी है आज मैं उठाऊँ ना सर डेढ़ बजे करीब आज मैंने तहिया किया हुआ था कि मैं आज जोहर टाइम पे पढ़ूंगा जोरैन नहीं पढ़ूंगा hmm. आप यकीन कीजिए ये तहिया करने के बावजूद आई द ट्रेन मुझे दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़नी क्यों मैं इसको देख रहा हूँ वो चेन रिएक्शन है hmm. तीसरी के साथ चौथी पांचवी करते 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 इतना टाइम लग गया तो हुद भाई ने yes. किसी वजह से वो मैथड होता है ना मैडनेस के hmm. पीछे ऐसे नहीं थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर जजाक चलते हैं जी क्या नाम है आपका मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला साहब आपके साथ कौन है अबू बकर कहाँ से ताल्लुक है आपका लाहौर से वेलकम टू द शो थैंक यू जी अब्दुल्ला साहब शख्सियत मर्द है जी जिंदा नहीं एशियाई जी साउथ एशियन जी पाकिस्तानी नो इंडियन यस एक इंडियन शख्सियत जो जिंदा नहीं है एक इंडियन मर्द जो जिंदा नहीं है <laughs> जी शकील साहब योर विटनेस जी साहब फॉरन जी अब्दुल्ला साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी 1973 से पहले सौ तो साल है. से ज्यादा जी 1923 से पहले नेक्स्ट होना चाहिए हाँ थ्री हंड्रेड आप पता है क्या आपके लैंडमार्क्स जो है

1899 से 1850 नाइन्टी जी से पचास साल के अंदर हमने नैरो कर लिया अब बेहतरीन हो गया तारीख आजादी की इब्तदाई शख्सियात में से अलीगढ़ मूवमेंट की इब्तदाई शख्सिया कांग्रेस कांग्रेस yes. के इब्तदाई इंडियन कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है जो फाउंडर्स थे ह्यूम के मामला जो है वो hmm. तो थे ना दादा भाई नेहरू जी दादा भाई नेहरू ये भी बाद के हैं लेकिन वो मजहब से हम कर सकते हैं हाँ। कोई मुस्लिम शख्सियत उससे नेहरू हो जाएगा टेन क्वेश्चन भाई सर सही डाइटी वकारुल मुल्क भी थे एक और

होल अलीगढ़ मूवमेंट विल बी रूल डाउन क्यों जी ताल्लुक अलीगढ़ मूवमेंट से था यसर yes, hmm. wow. किताब का uh, राइटर एक, 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 hmm. एक और बढ़ा जाए मुस्लिम रिवोल्ट कॉज ऑफ मुस्लिम रिवोल्ट मुस्लिम का लाभ उन्होंने यूज नहीं किया इंडियन रिवोल्ट कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट असारनादी भाई hmm. सनादीद के ऑथर थे यस सर सर सैयद अहमद खान पूछे आपने यस yes, सर और इनके बारे में किताब शानदार हाली ने लिखी थी हयात जावेद जावेद ਸੋ ਪੰਨੂ ਕਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਦ 13 14 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਓਏ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਕਿਆ ਬਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਜੀ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 15 ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਟ ਸਵਾ ਕੋਟ ਲੈ ਨਾ ਟਾਈਆਂ ਲੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਲੈਵੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅਲਹੀ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰੇ ਬਾਤੋ ਬਚਾਨ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਹੋਏ ਹੋ ਐਸੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਸਾਰੇ ਅਮਰੂਜ਼ੋ ਕੀ ਸੀ ਹੈ ਅਸਾਰ ਸਨਾਦੀਨ ਅਸਾਰੋ ਸਨਾਦੀਨ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੋਚ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਲਰ ਫੋਰ ਅੱਜ ਕਿਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਏ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਾਂ ਚ ਲਵਾ ਅੱਛਾ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਤੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਾਰੋ ਸਨਾਦੀਨ खास साहब ठीक ने ये जो हड्डी है ना ये बड़ी ट्रिकी हड्डी है क्योंकि इसमें सारा आपका वजन आता है इसमें हंड्रेड परसेंट जब तक वो बिल्कुल कम्पैक्ट ना हो जाए तो उसमें खतरा होता है कि दोबारा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जिसका मतलब है तीन महीने की कास्ट

और औाफ़ हमीदा मेरे तक इतने पहुंच चुके हैं कि मेरे ख्याल में वाकई इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन पाकिस्तानी कल्चर को पाकिस्तानी आइडियोलॉजी को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं ये तो ला ला वो, <laughs> वो परफ्यूम्स वगैरह इन चीजों में बंदे भेज दे, दे जी बंदे के हाथ नहीं यहाँ पे उनके प्रोडक्ट बिकता है है आप कभी आपने पैकेजेस मॉल देखा नहीं हां <laughs> वहां जाएं इनके किओस्क हैं वहां पे किओस्क अब वो पूछें क्या होता दुकाना दुकाना चोड़ी चोड़ी है किओस्क दुकान ना छोटी-छोटी अच्छा डॉक्टर साहब आपने ना बिल्कुल मुझे रद्दी कर दिया है मैंने नहीं मैंने क्यों रद्दी किया समझता है मुझे मिट्टी बिल्कुल नहीं हमने नहीं किया आपने खुद किया नहीं मैं इंशाल्लाह ताला

लोगों ने तब तो लिया जी हाँ जी नारे लगे नारे लगे तकरीरें हुई क्वेश्चंस हुए जवाबात दिए गए छोटे-छोटे हुए और पे तो मेले का समा था पराठा भी मिलता। सर दिलचस्प बात ये मेरे इल्मे में इजाफा था मेरा ख्याल था वहां सिर्फ यंगस्टर्स होंगे नहीं नहीं वही बाबे थे वहां पे हाँ जी और बाबे फैमिलीज और बाबे ऐसे कुछ सारे तपे हुए यंगस्टर्स में जोश था बाबे लेकिन बाबे तपे हुए थे गुस्से में थे एक ने मुझे लालच दिया मैं नहीं मैंने अंदर घर जाना है अंदर खान साहब किधर जा रहा था तो कहते बैठ जाओ लेकिन मैं अच्छा वो अलाव काफी था आग का ठंड हुई थी मैं चलो इसी बहने बैठ के मैंने आग तापी थोड़ी देर के लिए बड़ा मजा आया बाकी भाई मान गए बड़ी गल है इश्क सारे ही कर देने जड़ी पहुँच ना साहब हालांकि नहीं गए थका बड़ी था। लंबी रिकॉर्डिंग थी उससे पहले मेरी एक मीटिंग थी बिजनेस मीटिंग हसीब आया हुआ था हनी आया हुआ था मीटिंग शीटिंग ये वो सब हनी ने अगले दिन जाना था तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते करते बातें करते करते टाइम बड़ा लग गया फिर शो किया और जो ही शो खत्म हुआ मैंने अभी चेंज कर रहा था वजू किया और मैंने कहा गाड़ी चेंज करो दूसरी पे चलेंगे वाह नहीं रिलैक्स लग होता है बिल्कुल आए अच्छा इतफाक से इतफाक देखिए क्या मतलब है हुसन इतफाक मैं कहूँगा हमारे एक एसोसिएट हैं प्रोडक्शन एसोसिएट उनका नाम है मुनीर बलराज थिएटर से आए थिएट्रिकल वर्ल्ड से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है मुझे आज ही बता रहे थे कि मेरा बेटा वहाँ पर जो एक ये फोर्स है ना टाइगर टाइगर फोर्स उसको रिप्रेजेंट करता है लाहौर चैप्टर को ठीक। तो मैं जब उतरा ही तो मेरा बगैर रेंडमली मुझसे जो बंदा मिला वो उनका बेटा था वाह क्या और मैंने खास तौर पे आपसे गुजारिश करनी है कि आप कल मुनीर साहब से कहें कि छोटे छोटे क्लिप्स अपने बेटे से कहें वो मेरे नंबर पे आपको भेजे मुझे भेजे या हसनैन को भेजे ताकि अपने छोटे छोटे जो हम विलॉगस बनाते हैं उनमें लेटेस्ट चीजें हमें पता चलती रहे। तो और ये मैंने सीखा पता किससे दो <laughs> कि रहेताब कि भाई आए हुए फौरन इनका शॉर्ट लो शॉर्ट लो और शॉर्ट लो लेकर मुझे भेजो उसने तो खैर पूरा इंटरव्यू कर लिया था शॉर्ट के नाम पेन चाल वो तो खुद कहीं और था उसका रिप्रेजेंटेटिव था वहां पे वो भी पाँच तरी पूछ देने क्योंकि आदत चल रही भी नहीं नहीं वो भी बड़ा प्यारा बच्चा है फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अब्दुल इमरान रियाज खान को इमरान वो भी मौसम मौसम ठंड गर्मी सर्दी नहीं देखता सर फिरा है वो जीदार आदमी अच्छा उस्मान वॉज देयर उसका जो भाई है ना वो जो पुलवान है उस्मान रे वो वहाँ पे था क्या बात लेकिन मेरे से मुलाकात नहीं हुई नेक्स्ट टाइम बनाते हैं प्लान अब जो ही मैं वापस आया हूँ तस्वीरें वायरल हुई अब हर कोई मुझे फ्रॉम इस्लामाबाद वो कह रहे हैं जब भी जाना हो हमें एक दिन पहले वही है शीशे ना होंगे जानते हैं तो अच्छा खान की गिरफ्तारी के बारे में एक चीज बड़ी क्लियर जैसे अभी बता रहे थे एफ कि ना वो जेल से डरता है ना किसी गिरफ्तारी से ना तशद से डरता है वो तो फिर डर किस चीज का है ये जो हड्डी वाला मामला है ना हाँ जी बहुत सेंसिटिव ये असल और मैं हैरान हूँ कि इन लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही तो कही तो ऐसे गाल न हो लेकर तैयार नहीं है क्या वजिया ही नहीं या ये, ये नहीं भी हो सकता है बाज़ लोगों की ये ख्वाहिश मोहूम हो ये हड्डी डिंगी हो जाए लक रे खान लंगड़ा ही वो लंगड़ा भी हो गया ना क्या बात इस खत्ते का सबसे बड़ा फाते लंगड़ा था

मौजे तंग नंबर 1 मौजे तंग मौजे तंग बेटा जराबान दी गल नहीं होण दई <laughs> बड़े बड़े लीडर होए ने चाइना दे मौजे तंग मौजे तंग मौजे तंग 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 यांग팡 चिंगचोंग द लॉन्ग मार्च द लॉन्ग मार्च फ्रॉम 10000 माइल्स